सुल्तान अरशद खान इंसानों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जिनका मानना है कि दुनिया में आने वाला हर इंसान कुछ ख़ास काम करने के लिए आता है। उस कबीले का हर इंसान अवाइले उम्र से अपने औसाफ़, रुझान और तख़य्युले परवाज़ का न सिर्फ मुशाहिदा करता है बल्कि उसकी रोशनी में अपने लिए मंजिल का तायुन करता है। सुल्तान साहब ने अपने लिए जो काम मुंतखब किया वो दूसरों से हर लिहाज और हर एतबार से मुख्तलिफ था। 1942 में मुश्तरक हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर जावरा में पैदा होने वाले सुल्तान अरशद के बुज़ुर्गों को मौसीकी से खसूसी दिलचस्पी रही। वालिद को क्लासिकी मौसीकी और वालदा को फिल्मी मौसीकी से ख़ास शगफ था। चुनाचा दिन के किसी न किसी हिस्से में घर में मौजूद रेडियोग्राम पर मौसीकी का कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर सुना जाता। उसी ज़माने में रेडियो सैलून से हिंदी कमर्शियल सर्विस का आगाज़ हुआ था जो बहुत जल्द फिल्मी गीतों के शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। ये वो वक्त था जब सुल्तान अरशद साहब भी इस तरफ मुतवज्जो हुए। फिल्मी मौसीकी से सुल्तान साहब की मज़ीद दिलचस्पी उस वक्त बढ़ी जब उनकी रसाई उन्हीं के ख़ानदान की एक बाज़ौक़ खातून साहबजादी आबदा सुल्तान के रिकॉर्ड्स तक हुई। मौसीकी के एक आम सामे और सुल्तान अरशद में फ़र्क ये था कि जब वो फिल्मी गानों से महजूज होते तो उनके जहन में उन गीतों के शायरों, मौसीकारों और दीगर तख्लीकारों के बारे में जानने और उनसे मिलने का इश्तियाक पैदा होता और फिर बहुत से सवालों के जवाब हासिल करने और इन तख्लीकारों तक पहुंचने का एक सुनहरी मौका उन्हें मिल ही गया। 60 की दिहाई में सुल्तान अरशद न सिर्फ अपनी तालीम का अहम संग मील अबूर कर चुके थे बल्कि बैंक की मुलाजमत हासिल कर चुके थे। फिर बैंक की मुलाजमत को भी खैर बात कहा और कौमी एयरलाइन में शमूलियत इख्तियार की। और फिर ख्वाब की ताबीर का वक्त भी आ पहुँचा जब PIA ने 1987 में इनकी पोस्टिंग उस वक्त के बम्बई में कर दी। बम्बई में पोस्टिंग का ये अरसा लगभग 10 सालों पर मुहित था। इस मौके को इंतहाई दानिशमंदी से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फिल्मी तख्लीकारों जिनमें शायर, अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार और फिल्म साज शामिल थे से अपने रवाबित का आगाज़ किया। इन शख्सियात में गुलजार, ओपी नैयर, नौशाद, अनिल विश्वास, सज्जाद हुसैन, खय्याम, कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, आरडी बर्मन, रविंद्रा जैन, मजरूह सुल्तान पुरी, मनाडे, तलत महमूद, आशा भोसले वगैरह के नाम नुमाया थे। और ये रवाबित वक्त के साथ साथ कुछ शख्सियात से तो गहरी दोस्ती में तब्दील हो गए और सुल्तान साहब की दिलचस्पी के सब्जेक्ट की मालूमात में भरपूर इजाफा करते रहे। फिल्मी शख्सियात से ये ताल्लुकात सुल्तान साहब की वतन वापसी के बाद भी जारी रहे। दूसरी जानिब सुल्तान साहब ने बतौर फिल्मी मौर्रख अपना सफ़र जारी रखा और इसी मौजू पर इनकी दो तख्लीकात मंजर आम पर आईं और इन किताबों की इशात पर इन्हें खूब पिजराई भी मिलती रही। इनकी पहली किताब द म्यूज़िकल पीपल पैरामाउंट पब्लिशर ने छापी जो 20 फिल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ पर मबनी थी। दूसरी किताब 101 मेलोडी मेकर्स थी। इस किताब की इशात का एहतमाम लिबर्टी बुक्स ने किया। इस किताब का मौजू इसके टाइटल से आया है। इस किताब की तकरीबी रुनमाई आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में की गई। सुल्तान अरशद की तीसरी किताब सिनेमा घर के नाम से ज़ेर इशारत है जिसके बारे में वो खुद इस तरह से बताते हैं। किताब के मुसन्निफ सुल्तान अरशद खान का कहना था कि हम नेटवर्क के साथ सिनेमा घर के उनवान से पाकिस्तानी फिल्मों और फिल्मी मौसीकी के 72 साल सफर पर मबनी किताब भी जल्द मंजरेआम पर आएगी। पाकिस्तानी फिल्मों और फिल्मी मौसीकी का 72 साल सफर, तो इस किताब में भी मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पहली बार फिल्में और उनके गीत यकजा किए। अपने तहकीकाती काम के बायस सुल्तान साहब जल्द ही एक फिल्मी मौर्रख की हैसियत से पहचाने जाने लगे। PTV के लिए प्रोग्राम दुनिया मेरी जवां है और हम TV के प्रोग्राम ज़ौक़ शौक़ में उनकी मेहनत, लगन और मैनेजमेंट ने मौसीकी के इन प्रोग्राम्स को 4 चांद लगा दिए। हम TV नेटवर्क से उन्होंने 2005 में अपना ताल्लुक जोड़ा तो ये ताल्लुक आखिर तक कायम रहा और वो म्यूज़िक कंसल्टेंट के तौर पर इस नेटवर्क से मुंसलिक रहे। फिल्मी मौसीकी के हवाले से कोई प्रोग्राम, कोई तकरीब, कोई गुफ्तगू हो, मुंतज़मीन की ख्वाहिश होती कि सुल्तान अरशद इसका हिस्सा ज़रूर बने।
फिल्मी शख्सियात के बारे में मजामीन हो सुल्तान साहब को दावत दी जाती, एस बी जॉन और नैयरा नूर को ट्रिब्यूट हो या मोहम्मद रफ़ी की याद में कोई प्रोग्राम, सुल्तान अरशद की मौजूदगी के बगैर मुमकिन ही नहीं समझे जाते थे। गुल बलोच वो पंजाबी फिल्म थी 1944 की के जिसके मूसीकार वही श्याम सुंदर साहब थे जिनका हमने अभी जिक्र किया। उसमें दो मूसीकार और भी थे लेकिन श्याम सुंदर साहब ने, उनको वो आवाज़ याद थी, उन्होंने रफ़ी साहब को बुलवाया और उनकी आवाज़ में इस फिल्म के लिए 3 डुएट्स रिकॉर्ड करवाए, मुनव्वर सुल्ताना और जीनत बेगम जो उस दौर की मारूफ गुलूकाराएँ थीं लाहौर में। सन 1999 में साहबजादा अख्तर हुसैन, सुल्तान अरशद, बेगम नाजमा इलियास, जहांगीर खान और कर्नल जलालुद्दीन ने मिलकर एक म्यूज़िक ग्रुप एमेचर मेलोडीज तश्कील दिया और लगभग 23 साल के अरसे तक सुल्तान साहब अपनी टीम के साथ इसके बेशुमार और इंतहाई मेयारी म्यूज़िक प्रोग्राम्स तरतीब देते रहे। एमेचर मेलोडीज के मेयार को बरकरार रखने के लिए सुल्तान साहब ने 4 बातों का ख़ास ख्याल रखा। सबसे पहले मेंबरशिप का एक ख़ास और सख्त क्राइटेरिया। एमेचर्स मेलोडीज ग्रुप की मेंबरशिप से पहले हर ख्वाहिशमंद के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठी की जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेंबरशिप की दरख्वास्त को बवजू रद्द कर दिया गया, जिसके बायस एमेचर मेलोडीज का ऑडियंस हमेशा अपनी तमाम तर्ज संजीदगी और दिलचस्पी के साथ मौसीकी के इन प्रोग्राम्स में शरीक होता रहा और म्यूजिशियंस और गुलकारों की भरपूर तरीके से हौसला अफजाई करता रहा। दूसरी अहम बात यह थी कि ग्रुप के प्रोग्राम्स में गाने के ख्वाहिशमंद गुलकारों का बाकायदा ऑडिशन लिया जाता और इन्हीं बुनियाद पर इन्हें मुंतखब या रद्द किया जाता, जिससे प्रोग्राम्स में गायकी का एक ख़ास मेयार कायम हो गया और अभी तक मौसीकी का कोई दूसरा ग्रुप इस मेयार तक नहीं पहुँच पाया। गायकी के लिए जो लोग मुंतखब होते गए वो न सिर्फ ग्रुप का बल्कि सुल्तान अरशद की फैमिली का हिस्सा बनते चले गए। चुनाचा एक दूसरे की खुशी और गम में ये तमाम अरकान हमेशा एक दूसरे के साथ मौजूद रहे और इस तरह टीम वर्क का ये सिलसिला 2 दहाइयों तक इंतहाई खुश असलूबी से जारी और सारी रहा। एमेचर मेलोडीज के सिलसिले की तीसरी ख़ास बात, हर प्रोग्राम से पहले इसमें पेश किए जाने वाले नगमों का इंतखाब और उनकी रिहर्सल थी। ZH फ़हीम का ग्रुप पहले रोज़ ही से सुल्तान साहब की टीम का हिस्सा रहा और हर रिहर्सल प्रोग्राम में भी गुलकारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी का सिलसिला जारी रहा। इन रिहर्सल्स में सुल्तान अरशद ज़ाती तौर पर मौजूद रहते और हर गाने वाले को खसूसी मशवरे भी देते रहते। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। आखिरी और सबसे अहम बात यह थी कि सुल्तान साहब एक अच्छे मेंटोर भी थे। अपने जूनियर्स पर सिर्फ दस्ते शफ़क़त ही नहीं रखा बल्कि गायकी के अलावा भी जिसमें जैसा रुझान देखा उसकी उस शोबे में तरबियत भी की। एमेचर मेलोडीज में एक शोबा म्यूज़िक कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट और ख़ूबसूरत अनाउंसमेंट का भी था।
उसके लिए ज़रूरी था कि अपनी मौजूदा टीम में ही से किसी एक को मुंतखब किया जाए और फिर एमेचर मेलोडीज़ के सारे प्रोग्राम्स में मुश्तरका मेहमानदार या को होस्टिंग का बाकायदा सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। अब सिलेक्टेड ऑडियंस, आजमाए हुए गुलकार, हर बार की रहल सहल, खूबसूरत अनाउंसमेंट और कोऑर्डिनेशन ने म्यूज़िक के इस ग्रुप को हमेशा सबसे मुनफरिद और मुमताज़ बनाए रखा। सुल्तान अरशद को ख़ुद भी गाने का बहुत शौक़ था, सुर और ताल की खूब समझबूझ थी, वक्तन फवक्तन अपना ये शौक़ पूरा किया करते थे। सुल्तान साहब ने अपना आखिरी गाना एक और म्यूज़िक ग्रुप द ग्रामोफोन क्लब में बतौर मेहमान गाया। सुल्तान साहब कुछ अरसा अलील रहने के बाद 12 अप्रैल की सुबह अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और अपने पीछे चाहने वालों की एक बड़ी तादाद और अपने हिस्से का मुनफरिद और अछूता काम का खजीना छोड़ गए।